हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ फतेहपुर जिला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप फतेहपुर ज़िला के रहने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और आप अपने ज़िला के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, फतेहपुर ज़िला, यह ज़िला भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में से एक फतेहपुर ज़िला के नाम से जाना जाता है। फतेहपुर ज़िला उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित है। फतेहपुर ज़िला का हेडक्वार्टर ऑफिस फतेहपुर शहर में मौजूद है, और फतेहपुर ज़िला इलाहाबाद मंडल के अंतर्गत आता है। फतेहपुर ज़िला का गठन सन 1826 ईस्वी में किया गया था। फतेहपुर ज़िला के आसपास ज़िला के नाम चित्रकूट ज़िला, कौशाम्बी ज़िला, रायबरेली ज़िला और बांदा ज़िला है। फतेहपुर ज़िला के उत्तर में उन्नाव ज़िला और कानपुर नगर, दक्षिण में चित्रकूट ज़िला और कौशाम्बी ज़िला, पूर्व में रायबरेली ज़िला और कौशाम्बी ज़िला, पश्चिम में कानपुर नगर, हमीरपुर ज़िला और बांदा ज़िला से घिरा हुआ है। फतेहपुर ज़िला में 3 तहसील, 1 लोकसभा, 6 विधानसभा, 13 विकास खंड, 20 पुलिस स्टेशन, 840 पंचायतें और 1521 गांव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो फतेहपुर ज़िला का कुल क्षेत्रफल 4152 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और बात करें आबादी की तो सन 2011 जनगणना के अनुसार फतेहपुर ज़िला की कुल आबादी 26,33,000 के करीब है, जिसमें पुरुष की कुल आबादी 13,84,000 तथा महिला की कुल आबादी 14,48,000 के करीब है। फतेहपुर ज़िला में हिंदू धर्म की आबादी 86% तथा मुस्लिम धर्म की आबादी 13% है। फतेहपुर ज़िला का औसत लिंगानुपात 901 के करीब है, यानी कि यहाँ पर 1,000 पुरुष पर 901 महिला हैं। और फतेहपुर ज़िला का इतिहास देखा जाए तो फतेहपुर ज़िला का इतिहास अत्यंत समृद्ध और गौरवशाली है। फतेहपुर ज़िला के मुख्य नदी का नाम गंगा नदी व यमुना नदी है, जिसके कारण इस ज़िला की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है, और इस ज़िला में बोले जाने वाली बोली हिंदी और उर्दू है। व्यवसाय की बात करें तो फतेहपुर ज़िला का मुख्य व्यवसाय खेती है, और यह ज़िला काफ़ी हद तक खेती अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। वैसे इस ज़िले में गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, दलहन इत्यादि उगाया जाता है। शिक्षा की बात करें तो फतेहपुर ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल व कॉलेज हैं, जिसके माध्यम से फतेहपुर ज़िला के वासी अच्छी तरह से शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। इस ज़िला में महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज, युवराज सिंह विधि कॉलेज, मुस्लिम इंटर कॉलेज इत्यादि है, जो आसपास के लोगों को शिक्षा मुहैया प्रदान कराता है। वैसे इस ज़िला के साक्षरता दर 67% है, यानी कि आबादी के अनुसार यहाँ के लोग 67% पढ़े लिखे हैं, जिसमें पुरुष व महिला दोनों शामिल है। टूरिस्ट स्थलों की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे टूरिस्ट स्थल हैं, जिसे देखने और घूमने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे श्री तंबेश्वर बाबा मंदिर, मस्जिद ए आयशा, महादेव मंदिर, पीली मस्जिद इत्यादि है, जिसे देखने के लिए अलग अलग ज़िलों से लोग यहाँ पर आते हैं। सड़क रास्ते की बात करें तो फतेहपुर ज़िला सड़क मार्ग से उत्तर प्रदेश और देश के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ बस सेवा भी उपलब्ध है। रेल मार्ग की बात करें तो फतेहपुर ज़िला रेल मार्ग से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तथा देश के विभिन्न भागों से अच्छे से जुड़ा हुआ है, और फतेहपुर ज़िला के नज़दीकी रेलवे स्टेशन के नाम फतेहपुर रेलवे स्टेशन और
फैजुल्ला रेलवे स्टेशन है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा हर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी।